पे मचाते रहो, पब्लिक पब्लिक देती सांस तो संभाल के रहो, खाते रहो मामला गंभीर तो फिर नाचते रहो, साथे रहो क्योंकि रैप यहाँ फास्ट से स्लो, अपनी बोली सौ की नहीं अपनी बोली सवा लाख करोड़, शाड़ा टू मच मैं द जान टू पास, रुकने वाले भोगते रहेंगे लेट देम बा, अपने देखना शुरू करो जब खुलती है। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह का एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं किस तरह से क्या करना है। और गाइस इस वीडियो के अंदर जो भी मटेरियल यूज हुआ आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, तो अभी जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले करना क्या है, क्रिएट न्यू दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड नंबर वाला जो रेशियो है इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से फिल जरूर करना है, ठीक है गाइस। फिल करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना और यहाँ पर आपको फोटो ड्यूरेशन मिल जाएगा, 4.5 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग पे आना है और यहाँ पर 1.2 पे इसको यहाँ पर ला के सेट कर देना, ठीक है। यहाँ पर रख देने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो गाइस अब आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि यहाँ से जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद गाइस यहाँ से जो आपको एक लिरिक्स ऐड करना है, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ से लिरिक्स को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस मैं देख सकते हो कि मैंने यहाँ से जो लिरिक्स यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना, जाना है यहाँ से मीडिया पे और यहाँ से गाइस आपको कुछ 25 इमेजेस को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ से जाएंगे मीडिया पे और मैं यहाँ से इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से 25 इमेजेस को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपने देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ से आना स्टार्टिंग पे और यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग पे आएंगे और यहाँ से जाएंगे ऑडियो पर और यहाँ से जो है म्यूज़िक को ऐड कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ से म्यूज़िक को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से जो है म्यूज़िक यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जितने भी आपके बीट होंगे और आपका जो म्यूज़िक होगा वो सब यहाँ पर मैच हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इससे पहले हमने यहाँ पर जाके सेटिंग में जो यहाँ से इसका फोटो ड्यूरेशन का जो है यहाँ पर हमने चेंज किया था। तो इससे जो हमको यहाँ पर जो है इजीली यहाँ पर सेट हो जाएगा सब फोटो जितने भी हमारे। तो इस तरह से आपका सब सेट हो जाएगा। हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से स्टार्टिंग पे आना है और यहाँ से फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से जो आपको क्लिप ग्राफिक ऐड करने हैं। तो गाइस किस तरह से आपको क्लिप ग्राफिक ऐड करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको जाना है यहाँ से क्लिप ग्राफिक पे और यहाँ पर आपको एक क्लिप ग्राफिक हम यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है कॉल मी डीजे। तो गाइस ये जो क्लिप ग्राफिक है आपको एक काइन मास्टर के अंदर नहीं मिलेगा। अगर आप काइन मास्टर में ढूंढने जाते हो तो आपको ये नहीं मिलेगा। इसके लिए गाइस मैंने क्या किया है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दे रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से जो है आप काइन मास्टर के अंदर कॉल मी डीजे क्लिप ग्राफिक इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस उस वीडियो को आप देख लेना तो आपको इजीली पता चल जाएगा, तो आप इजीली कर लेना, ठीक है। कर लेने उसके बाद अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से जो है आपको ये क्लिप ग्राफिक दिख रहा है आपको यहाँ से फर्स्ट इमेज पर आना और यहाँ से 2 नंबर वाला ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड फोटो पर आना है, फिर आपको क्लिप ग्राफिक पर जाना है, यहाँ से जाएंगे कॉल मी डीजे और यहाँ से 3rd नंबर वाला ऐड कर देना है। फिर हमारे 3rd फोटो पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे क्लिप ग्राफिक पे और यहाँ से कॉल में डीजे से जाएंगे और यहाँ से 4 नंबर वाला ऐड कर देंगे। तो गाइस 2, 3, 4 में से बस आपको ऐड करना है और कोई भी क्लिप ग्राफिक इसमें से ऐड नहीं करना है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 इस तरह से आपको रिपीट करते चले जाना है, ठीक है गाइस। तो जैसे आप फिर आगे वाले इमेज पे आओगे क्लिप ग्राफिक पे जाना है, उसके बाद फिर हम कॉल मी डीजे क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे, यहाँ से 2 नंबर वाला ऐड करेंगे। उसके बाद आगे वाले में जाएंगे, फिर यहाँ से क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे और यहाँ से कॉल मी डीजे पे जाएंगे और यहाँ से फिर 3 नंबर वाला ऐड करेंगे। फिर आगे जाएंगे, फिर इस तरह से क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे और यहाँ से कॉल मी डीजे पे जाएंगे और यहाँ से 4 नंबर वाला ऐड कर देंगे। तो गाइस इसी तरह से आपको सब में क्लिप ग्राफिक ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से क्लिप ग्राफिक ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से सब में क्लिप ग्राफिक ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद देख सकते हो आपका यहाँ से जो बिल्कुल यहाँ से आपका म्यूजिक एंड हो जाता है। तो यहाँ से आपको फोटो पे क्लिक करना है, कैच पे क्लिक करना है और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट इसको ट्रिम कर लेना, ठीक है। ट्रिम करने के बाद आपका कुछ जो इस तरह से आपका सब जो है क्लिप ग्राफिक ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद आपको स्टार्टिंग पे आना, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग पे आना है और यहाँ से जाना लेयर पे, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे कि एक रेन ड्रॉप वाला इफेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से रेन ड्रॉप वाला ये इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर लिया। तो इसको कुछ आपको इस तरह से खींच के इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे और इसको जो है स्क्रीन कर देना, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपको फिर आपको क्या करना है, यहाँ से जाना लेयर पे और यहाँ से क्या करेंगे कि मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से एक लाइट इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उसको भी ऐड कर
तो गाइस आप देख सकते हो मैंने ये वाला लाइट इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर लिया। इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से इस पर राइट पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर अगर कोई ऑडियो होता है म्यूट कर देना, और आपको इस पर क्लिक करना है, नीचे जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, और इसको जो यहाँ से स्क्रीन कर देना, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, यहाँ से जाना नीचे एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे, और इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देना है, कुछ 24 तक आप कर देना, ठीक है। करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है एकदम, और इसके बाद यहाँ से इसका जो ह्यू है इसको आपको यहाँ से इसको थोड़ा कम कर लेना, ठीक है, कुछ यहाँ पर 49 तक, ठीक है। कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह वीडियो देखने को मिल जाएगा। इतना हो जाने के बाद गाइस आप देख सकते हो कि आपका वीडियो जो पूरा यहाँ पर एडिटिंग यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आपका बिल्कुल सेम बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए गाइस अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि वीडियो किस तरह का एडिट हुआ है। चाहते रहो अपनी पब्लिक देती सांस तो संभाल के रहो, खाते रहो मामला गंभीर तो फिर नाचते रहो साथे रहो। तो गाइस देख सकते हो हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा एडिटिंग हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है शेयर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको फुल एचडी रख के यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना, तो आपका वीडियो जो यहाँ से इजीली सेव हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।